नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ दुर्गा के नौ रूपों की शक्ति और भक्ति का संपूर्ण आनंद। नमस्कार, जय माता दी। मैं डॉक्टर वाई राखी, आपको आज नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कात्यानी देवी बेहद जल्दी प्रसन्न होती हैं और बेहद जल्दी गुस्सा भी हो जाती हैं। कात्यान ऋषि के घर में पैदा होने की वजह से इनका नाम कात्यानी पड़ा। पूरा शरीर चमकीला है, सोने की समान, बहुत खूबसूरत। कहते हैं आप देवी की तरफ ना देख भी नहीं सकते, इतना चमक, इतनी शाइन है। आज के दिन सोने के जेवर ज़रूर पहने चाहिए अगर आपके पास हैं तो। कोई भी गलत काम या विचार लाकर जेवर ना पहने कि होने चाहिए, ऐसा नहीं है। नकली जेवर पे भी सोने का पॉलिश चढ़ी हुई है और आप उसे पहन रहे हैं, सोने के जैसा कोई कपड़ा भी पहन रहे हैं, तो मोर देन इनफ है। माँ बेहद खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है। रूप अगर आपको चाहिए तो कात्यानी की पूजा करनी चाहिए। माँ को जल्दी मनाना है तो कात्यानी की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन माँ को श्रृंगार का सामान अर्पण करना चाहिए। माँ के हाथ में तलवार है, माँ सिंह पर सवार है। माँ बेहद जल्दी मुस्कुराते हुए अपने भक्तों से खुश हो जाती है। माँ आपको छोटे छोटे वरदान देती है और माँ को दही मिश्री बेहद पसंद है। इसके साथ साथ वर मुद्रा है माँ के एक हाथ में और एक हाथ में अभी मुद्रा है। माँ बस वरदान देती है, सोना देती है, चांदी देती है। मोरल ऑफ द स्टोरी बताऊँ, नेता, अभिनेता और मीडिया से जुड़े हुए लोगों को इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपको यश देती हैं, फेमस करती हैं। अगर आपको फेमस होने की इच्छा है ना, कहते ना मान सम्मान यश मिल जाए तो बात ही क्या है, पैसा मिला तो क्या मिला। अगर आपको फेमस होना है बहुत जल्दी तो छठा नवरात्रा आप ही के लिए है। माँ को अपने दिल की सभी मनोकामनाएं कागज़ में लिखकर आप ज़रूर प्रस्तुत करें। माँ के समक्ष नारियल के साथ अर्पण करें। नारियल पे स्वास्तिक बना हो, कुछ पैसे हों। आपको तो पता ही है दिल्ली में कात्यानी माँ का छतरपुर में बहुत बड़ा टेंपल है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। बहुत ही ज़्यादा सुख की प्राप्ति होती है लोगों को वहाँ जाते हुए। कई लोग तो ऐसे हैं कि उनके घर में कोई भी मंगल कार्य हो तो पहले कात्यानी देवी को ही मनाते हैं। हर किसी ने अपनी एक देवी को पकड़ रखा है और माँ ने भी अपने भक्तों को जकड़ रखा है। कहीं पर माँ ने शैलपुत्री के नाम से, कहीं ब्रह्मचारिणी के नाम से, तो कहीं कात्यानी के नाम से। आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण हो, मैं आपको बता दूँ, सृष्टि के पालनहार करता तो देवादिदेव महादेव और ये सारी देवियाँ उनकी पत्नी पार्वती हैं। जिस भी रूप में आपको अच्छा लगता है, जिस भी चीज़ की आपकी मनोकामना हो, उसी रूप में आप माँ को मना लीजिए। माँ बहुत सरल है और बहुत सरलता से, खूबसूरती की चीज़ों से मुस्कुराते हुए, जय माता दी करते हुए आप उसके दरबार में जाइए। आपकी हर इच्छा पूरी करेगी माँ। अगर आप इस जन्म के छोड़िए उस जन्म के भी आपके कोई ऐसे दोष रह गए हैं जो अच्छे नहीं हैं, आपके कोई पाप रह गए हैं, तो उन सब से भी आपको मुक्ति दिला सकता है ये छठा नवरात्रा। जय माँ कात्यानी। नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ दुर्गा के नौ रूपों की शक्ति और भक्ति का संपूर्ण आनंद।